नरेंद्र मोदी जी को अब बोलने का कुछ नहीं रहा, टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है, पीछे से कंट्रोलर है, कंट्रोलर पीछे से कंट्रोल करता है, नरेंद्र मोदी बोलते हैं। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस ठीक से सुना। आदाब और जय हिंद साथियों, मैं शिराज खान तेलंगाना हैदराबाद कांग्रेस से बात कर रही हूँ। आप सभी ये जानते हैं कि राहुल गांधी जी किस तरीके से इन 7 से 8 सालों की भाजपा सरकार को हर बार उनके बड़े से बड़े झूठ को, बड़े से बड़ी साजिश को एक्सपोज करते आए हैं। अगर हम बात करेंगे नोटबंदी से लेकर, जीएसटी से लेकर, जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है कोविड को लेकर और राफेल को लेकर, ये इतने बड़े बड़े स्कैम से और बड़े बड़े साजिशों को राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है, और राहुल गांधी जी की हर बात सच होते आ रही है। और अभी एक करंट इश्यू जारी है जहां पर हम ये देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी इतनी लंबी लंबी भाषणें देते हैं और बहुत ही परफेक्ट अंदाज में देते हैं, ऐसा लगता है कि उनको बहुत बड़ी महारत हासिल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इतना बड़ा झूठ मोदी जी का सामने आ चुका है कि वो अपने से कुछ नहीं बोलते, उनके पीछे टेलीप्रॉम्प्टर्स को लगाया जाता है, जैसे ही टेलीप्रॉम्प्टर बात करते रहता है, खुफिया तौर पर उनके पास एक कान में एक हेडफोन दिया जाता है, वो उसको सुनकर सामने अपनी बात रखते हैं। आज उस बात को भी, इतनी बड़ी साजिश को, इतने बड़े झूठ को उन्होंने एक्सपोज किया है राहुल गांधी जी। और आप ये वीडियो देख सकते हैं, बार बार इसको देखते जाइए कि नरेंद्र मोदी जी को कुछ बोलने नहीं आता है। आज ये साबित हो चुका है, देश के सामने ये जानना जरूरी था कि नरेंद्र मोदी हकीकत में क्या एक काबिल इंसान है, तो बिल्कुल नहीं। जवाब मिल जाता है कि टेलीप्रॉम्प्टर जैसे ही रुक जाता है, मोदी जी की आवाज़ नहीं निकलती है, कोई शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है, तो वो ये साबित हो चुका है कि मोदी जी स्पीच या भाषण नहीं दे सकते हैं, ये देश को गुमराह कर रहे हैं, यही हकीकत है। जय हिंद।